हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब गुड इवनिंग क्रिश गुड इवनिंग दिव्यांग गुड इवनिंग मानवी गुड इवनिंग रोहन हाय अमित हाय रोहित हाय आई सो एस्पिरेंट चल सो लास्ट क्लास में वी हैड वी डिस्कस्ड अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन सब के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम थैंक यू दिब्यांग थैंक यू रोहन हाय अंश, गुड इवनिंग। क्यों नहीं पढ़ी दिव्यांग क्यों नहीं पढ़ी एनाटॉमी? पढ़नी तो पड़ेगी ना तभी सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आएगी सो वी वील टॉक ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम इन ह्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम वी विल मेनली टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड दिस रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस टेक्स प्लेस विद help ऑफ किडनी एंड अदर एंड अदर एसोसिएटेड पार्ट्स ठीक है सो इसी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे और यही अपने चैप्टर का मेन जिस्ट है ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स का मतलब होता है ठीक है रेगुलेटर्स वो होते हैं जो अपनी ऑस्मुलारिटी को मेंटेन कर कर चलते हैं जैसे कि वॉम ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है वैसे ही एग्जैक्टली ऑस्मो रेगुलेटर्स अपनी ऑस्मुलारिटी को मेंटेन करते हैं और ऑस्मो ऑस्मोकन्फर्मर्स जस्ट लाइक कोल्ड ब्लडेड अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं ये भी अपने ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को चेंज करते हैं दिव्यांग धीरे धीरे याद हो जाएंगे डोंट वरी सो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम वी हैव इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी व अ पेयर ऑफ किडनी अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड वी हैव यूरेथ्रा तो इन सब पार्ट्स को अपन एक एक करकर डिटेल में पढ़ेंगे ये है मानवी ठीक है चलो सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन विच यू कैन सी टू किडनीज वन इज ऑन द राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इन सबको अपन डिटेल में देखेंगे द किडनी ओपन इन टू द ट्यूब दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरेटर यूरेटर ओपन इन टू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज यूरिन यूरेथ्रा सो किडनी इज द प्लेस वेयर किडनी इज द प्लेस वेयर यूरिन इज फॉर्म यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होगा यूरेटर विल ट्रांसपोर्ट यूरिन टू दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूरिनरी ब्लैडर यह यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा इट स्टोर्स द यूरिन एंड थ्रू यूरेथरा यूरिन इज रिलीज आउट ऑफ द बॉडी ठीक है सैटरडे की क्लास का एग्जाम है कोई इशू नहीं है मैथ्स नहीं आता अब, अब नहीं आता है मैथ्स ठीक है हाँ दिव्यांग किडनी ही तो एक्सक्रीशन करेगी और कौन करेगा किडनी ही क्या कर रही है ब्लड को फिल्टर आउट करके सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकाल रही है एक एक कर पढ़ेंगे इस दिस डायग्राम क्लियर टू यू ये डायग्राम आप बचपन से पढ़ रहे हो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज एड्रीनल एज ग्लैंडल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल ग्लैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल ग्लैंड ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं है बेटा इस बार नहीं है साइड पर मैं फिर भी एक बार चेक करूंगी लास्ट स्लाइड ये गेरी वैभवी गुड आफ्टरनून चले आगे चलो वील स्टार्ट विथ किडनी नोट्स बनाते चले जाओ इट इज अ स्मॉल इट इज अ स्मॉल बींग शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट ऑन ईधर साइड ऑफ प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ दर्टिबरल कॉलम ठीक है हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ की अड्डी इसके इधर साइड पर ये किडनी प्रेजेंट है और एग्जैक्टली exactly अगर लोकेशन देखे तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा एंड लंबर वर्टिब्रा ये यहां प्रेजेंट होती है जनरली साइट आपसे एन एस में कोई नहीं पूछेगा तो किडनी पेयर्ड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट ऑन द इधर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ठीक है कहा प्रेजेंट है लास्ट थोरासिक वर्टिब्रा एंड लंबर वर्टिब्रा के बीच में ये थोरासिक वर्टिब्रा लंबर वर्टिब्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा ये सारे आपकी बैक बोन जो है, जो आपकी है उस बोन्स को हमने कुछ सेक्शन में डिवाइड कर दिया जैसे नेक रीजन में यहाँ पर जो आपका वर्टिब्रा प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज योर सर्वाइकल फिर आपके थोरासिक रीजन में जो प्रेजेंट है वो थोरासिक वर्टिब्रा देन यू हैव लंबर देन यू हैव सैक्रल ऐसे करके हमने पूरी वर्टिब्रल कॉलम को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर रखा है तो इसमें लास्ट थोड़ा वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा के बीच में क्या प्रेजेंट है हमारी किडनी प्रेजेंट है यहां तक क्लियर है हाँ ठीक है हाँ ये लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे वेरी गुड ठीक है इन ह्यूमंस राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर टू द इन ह्यूमंस राइट किडनी जो है वो लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर लेवल पर प्रेजेंट होती है ऐसा क्यों क्योंकि राइट साइड ऑफ द बॉडी पर लिवर प्रेजेंट है तो उस लिवर को अकोमोडेट करने के लिए राइट right किडनी जो है वो लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर प्रेजेंट है ठीक है यहां तक लिख लिया दिव्या आई थिंक वन मोर लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे और सैटरडे को आधा खत्म हो जाएगा इस वीक के चैप्टर खत्म हो जाएगा ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल इट इज कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल किडनी ह्यूमन किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहा जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि किडनी का क्योंकि किडनी का ये जो वेंट्रल पार्ट है दिस वेंट्रल पार्ट इज कवर्ड विथ इट इज कवर्ड विथ पेरिटोनियम पेरिटोनियम आप सबको मालूम है ठीक है द वेंट्रल पार्ट इज कवर्ड विथ पेरिटोनियम वेयर आर डोरसल पार्टे वेयर आर डोर्सल पार्ट इज अटैच टू इट इज अटैच टू अबडोमिनल रीजन तो वेंट्रल पार्ट पर क्या प्रेजेंट है पेरिटोनियम प्रेजेंट है डोरसल पार्ट किडनी का जो है वो ऑब्डोमिनल रीजन से अटैच है देयरफोर सच टाइप ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल किडनी ठीक है ठीक है यहां तक कोई डाउट क्लियर कुछ बुक्स में आपको रेट्रोपेरिटोनियल किडनी की जगह एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी वर्ड भी मिलेगा ठीक है क्लियर अपटेयर ठीक है डायग्राम अगर आप चाह रहे हो मैं हाथ से बना दू सो दिस इज द डायग्राम यहां से ट्यूब्स निकल रही है दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज द यूरिथ्रा ठीक है इसके ऊपर यहां ऐसे सुप्रा रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है देन यू हैव दी ब्लड सप्लाई ठीक है मार्किंग्स इसकी बाद में कर लेंगे चलो करी देती हूं साथ के साथ सो दिस इज योर राइट किडनी लेफ्ट किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा, सुपरा रीनल ग्लैंड दिस इज द ब्रांच ऑफ डोर्सल एओटा रीनल आर्टरी, दिस इज द दिन ठीक है ठीक है चलो अब बात करते हैं यूरेटर की इट इज अ ट्यूब दैट इमर्जेस फ्रॉम ईच किडनी एंड ट्रांसपोर्ट यूरिन टू ट्रांसपोर्ट यूरिन टू यूरिनरी ब्लड ठीक है देन वी हैव यूरिनरी ब्लैडर यहां तक जो तो बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है किडनी का जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे वहां पर मेन चीजें देखेंगे इट इज अगलाइट स्ट्रक्चर विच स्टोर्स यूरिन यहां तक कोई डाउट तो नहीं है दिव्यांग चोड़ी मैम एनसीईआरटी में दिया है ठीक है इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर यूरिन आप अगर यूरिनरी ब्लैडर को एक बार ड्रॉ करके देखें। क्वेश्चन पूछूंगी कौन आंसर करेगा क्वेश्चन पूछूंगी कौन आंसर करेगा हंस चलो रोहन रोहन आज रोहन से पूछते हैं चलो रोहन रेडी हो रोहन रोहन ये यूरेटर्स हैं ये यूरेटर्स जो है वो यूरिन लेकर आ रहे हैं किडनी से और ये यूरिन जो है इस यूरिनरी ब्लैडर में भरेगा तो क्या यहां पर कोई स्पिंक्टर या वैल प्रेजेंट होनी चाहिए जो यूरिन के बैक फ्लो को रोके क्या यूरेटर में कोई स्पिंक्टर या वैल प्रेजेंट होनी चाहिए जो यूरिन के बैक फ्लो को रोके क्यों अच्छा रोहन कह रहे होनी चाहिए मानवी कह रही है नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए मानवी क्यों नहीं होनी चाहिए यूरेटर्स आर प्रेजेंट ओब्लिकली जो यूरेटर्स इनकी जो ओपनिंग है ये कैसी है ओब्लीक है इसीलिए फ्लो नहीं होगा तो यहां पर कोई भी वैल्व या फिंकटर जो है ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा डाउनफ्लो तो हो रहा है बेटा डाउनफ्लो से रिवर्स फ्लो भी तो जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्योंकि जब यूरिन पूरा यूरिनरी ब्लैडर में भर जाएगा तो प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर का बढ़ेगा तो जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो यूरिन का बैक फ्लो हो सकता है बट ये बैक फ्लो नहीं होता क्योंकि यहां पर जो यूरेटर्स हैं ये कैसे प्रेजेंट है ये ऑब्लिकली प्रेजेंट है प्रिवेंट्स दिस प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द यूरिन क्या यह पॉइंट क्लियर है ऑब्लिक मतलब टेड़े ये स्ट्रेट नहीं है ये टेड़े है थोड़े से ऑब्लीकली प्रेजेंट है तो यूरिन का बैकफ्लो नहीं होगा ठीक है अंश और दिव्यांग क्लियर है नाउ वेरी इंपॉर्टेंट externally this urinary bladder externally this urinary bladder is lined by a muscle which is called as detrusor muscle externally it is lined by a muscle which is called as detrusor muscle बेटा अगर कोई चीज सीधी है अगर यह चीज ऐसे सीधी है तो यहां से बैक फ्लो इजी है बैक फ्लो हो जाएगा पर अगर यह चीज ऐसे टेढ़ी प्रेजेंट प्रेजेंट है है तो बैक फ्लो क्या होगा बैक फ्लो इसका नहीं हो पाएगा तो जित जो यूरेटर्स आपकी यूरिनरी ब्लैडर में आ रही हैं, वो स्ट्रेट ना होके ओब्लिकली प्रेजेंट है तो अगर ओब्लीक होगा तो यहां पर बैक फ्लो ऑफ द यूरिन नहीं होगा क्या ये पॉइंट क्लियर है अब दिव्यांग ठीक है रोहित वेरी गुड रोहित प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर जो है इलेवेंथ क्लास की यूनिट टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेगा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से जाएगा पर उसको एक सीधा रास्ता भी तो मिलना चाहिए जाने के लिए ऑब्लिक डायरेक्शन से उल्टा बैक फ्लो कभी भी नहीं होगा आप ये सेम चीज सेम प्रिंसिपल अगर आपने सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस में पहले वैल्व होते थे एम्ब्रियोनिक लाइफ में पर जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो वैल्व वहां से चले जाते हैं वो वैल्व वहां पर नहीं है या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सुपीरियर वेना कावा में कभी भी वैल्व नहीं है तो वहां पर भी तो ब्लड का बैकफ्लो रुक रहा है तो ब्लड का बैक फ्लो वहां पर कैसे रुक रहा है क्योंकि ये सारी ओपनिंग्स भी कैसे है ये सारी ओपनिंग्स भी ओब्लिकली प्रेजेंट है इज दिस पॉइंट क्लियर ऑल दीज ओपनिंग्स आर ओब्लिकली प्रेजेंट ठीक है चलो वेरी गुड वेरी गुड सो दिस डिट्रूसर मसल इट इज एन इनवॉलेंट्री मसल ये एक इनवॉलेंट्री मसल है और आपके यूरिनरी ब्लैडर के एक्सटर्नली प्रेजेंट है ठीक वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनली इंटरनली internally urinary bladder is lined by it is lined by a special type of epithelium it is lined by a special type of epithelium which is called as transitional epithelium it is called as transitional epithelium or it is called as urothelium इसको या तो ट्रांजिशनल एपीथीलियम बोलते हैं और इट इज कॉल्ड एज यूरोम नाउ व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस ट्रांजिशनल और यूरोलियम इज दैट इट कुड बी स्ट्रेच आप इसे क्या कर सकते हो आप इसे बहुत आराम से स्ट्रेच कर सकते हो आप मेरी बात से रिलेट करोगे अगर आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हो और आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा तो आप बहुत टाइम तक यूरिन फॉर्मेशन तो कंटिन्यूस होगा पूरा ब्लैडर फिल हो चुका है फिर भी वो अपनी बियॉन्ड कैपेसिटी भी यूरिन को स्टोर कर लेता है क्यों क्योंकि उसके पास एक स्पेशल स्पेशल टाइप टाइप ऑफ ऑफ है दैट दैट बी स्ट्रेच एंड इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथिलियम और इट इज कॉल्ड एज यूरोलियम यस वेरी गुड गुड इवनिंग नव्या दिस एपिथीलियम कुड बी दिस एपिथिलियम कुड बी स्ट्रेच ठीक है अब यहां पर दो स्िंग प्रेजेंट है सर्कुलर मसल से बने हुए यहां पर दो स्टर्स प्रेजेंट है सर्कुलर मसल से बने हुए प्रेजेंट ऑन द इंटरनल साइड विच इज कॉल्ड एज एक्स विच इज कॉल्ड एज इंटरनल फिंकर अंदर की साइड जो है इंटरनल और बाहर वाली साइड जो है वो एक्सटर्नल स्पिंगटर और ये किसके बने हुए हैं ये सर्कुलर मसल के बने हुए हैं इंटरनल स्पिंक्टर इज इनवॉलेंट्री इन वॉलेंट्री वेर आज एक्सटर्नल स्पिंक्टर इज वॉलेंट्री ठीक है इस एक्सटर्नल स्टिंगटर की वजह से ही हम यूरिन को काफी लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं क्या ये पॉइंट क्लियर है इज दिस पॉइंट क्लियर यस वेरी गुड आईडियस एक्सप्रेन कैन आई प्लीज नो योर नेम ठीक है यहां तक समझ में आ गया नाउ द लास्ट पार्ट इज यूरेथ्रा Urine is passed from here. Now, the voiding of urine, the voiding of urine through urethra, the voiding of urine through urethra is called as, it is called as micturation. ठीक है सो यूरिनेशन इन बायोलॉजिकल टर्म्स इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन ठीक है सो द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई वॉइडिंग मतलब रिलीज करना वॉइडिंग मतलब निकालना रिलीज करना वॉइड का मतलब होता है खाली जगह क्रिएट करना ठीक है वॉइड क्रिएट कर दिया राइट सो वॉइडिंग का मतलब होता है खाली करना ठीक है यहां तक समझ में आ गया अच्छा अब अंश और रोहन के अलावा कौन क्वेश्चन का आंसर देगा अंश और रोहन के अलावा आप कौन आंसर देगा अंश नहीं अंश तो डाउन टाइप करके ही बैठा हुआ है रोहित 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 चलो रोहित क्वेश्चन का जवाब देगा ड्यूरिंग यूरिनेशन द स्फिंटर्स कॉन्ट्रैक्ट या द स्िंगस रिलैक्स जब बॉडी से यूरिन रिलीज हो रहा है यूरिनेशन का प्रोसेस हो रहा है उस समय पर जो फिंकटर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं जल्दी बताओ देर रिलैक्स एट द टाइम ऑफ मिकचुरेशन दे रिलैक्स नॉर्मली जब यूरिनेशन नहीं पास हो रहा है यूरिनेशन नहीं हो रहा है नॉर्मली दे रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड ठीक है नॉर्मली ये स्टिंग जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं और जैसे ही यूरिनेशन होता है दे रिलैक्स ठीक है वेरी गुड वेरी गुड एवरीबडी सब ने सही जवाब दिया शाबाश आप सबके लिए मेरी तरफ से तालियां आप भी तालियां बजा दो एक दूसरे के लिए यहां तक समझ में आ गया सो दीज आर बेसिक पार्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको अपन ने देख लिया कि अपने पास किडनी है यूरेटर है यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है ठीक यहां तक कोई भी डाउट है ठीक चलो क्लियर अब बात करेंगे किडनी की डिटेल में अब किडनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोलकर डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है तो किडनी को डिटेल में स्टडी करते किडनी ऐसा लग रहा है किडनी उबल गई है पर कोई बात नहीं किडनी इज कवर्ड बाय किडनी इज कवर्ड बाय a tough fibrous structure which is called as which is called as renal capsule it is called as a renal capsule theek hai स्विंगटर बेटा circular मसल से है दिव्यान ventral का मतलब होता है आगे dorsal का मतलब होता है पीछे ठीक है सो वेंट्रल सर्फेस इज कवर्ड डॉर्सल इज अटैच टू द अबडोमिनल वॉल येस वेरी गुड आगे वाला जो सरफेस है वेंट्रल सरफेस, इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम मैंने दिव्यांगली यही बताया है ये देखो कहा तो बताया है मैंने एग्जैक्टली यही बताया है ठीक है रीनल कैप्सूल से कवर्ड है किडनी रीनल वर्ड जो है आप किसके लिए यूज करोगे रीनल वर्ड आप यूज करोगे किडनी के लिए अब किडनी का अगर अपन एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखें किडनी के एक सेक्शन को अग, अगर आप अपन स्टडी करें सो यू विल फाइंड ध्यान से समझना किडनी इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू टू रीजन किडनी का एक सेक्शन कट कर कर देखें एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखिए सो किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन रीजन ध्यान से समझो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला कॉर्टेक्स वर्ड बेटा किडनी के ऊपर भी तो एक टफ कवरिंग प्रेजेंट होगी ठीक है किडनी की इंडिविजुअल कवरिंग जो होगी पेरिटोनियम तो आपकी पूरी बॉडी वॉल को कवर करती है तूने ये क्वेश्चन मुझसे हार्ट में तो नहीं पूछा तूने क्वेश्चन हार्ट में तो नहीं पूछा मैम पेरिकार्डियम प्रेजेंट है तो इतनी सारी लेयर्स क्यों प्रेजेंट है ठीक है सो ये तो आपका बॉडी वॉल का कवरिंग जो है वो पेरिटोनियम का ही बना हुआ है ना आपका हर बॉडी ऑर्गन पेरिटोनियम से सराउंडेड है ठीक है उसके अलावा लंग्स में लंग्स में भी तो मेरे पास फ्लूरल मेम्ब्रेन थी ना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए तो ऐसे ही किडनी के ऊपर भी एक टफ कवरिंग प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल रीनल कैप्सूल ये किडनी को कवर कर कर रखती है ठीक है ठीक अब यहां से पढ़ाने दो थोड़ा सा कॉटेक्स आउटर पार्ट को बोलेंगे मेड्यूला इनर पार्ट को बोलेंगे कहीं पर भी कॉर्टेक्स वर्ड आ जाए चाहे रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल कॉर्टेक्स ब्रेन में कॉर्टेक्स कहीं पर भी कॉर्टेक्स वर्ड आए उस कॉर्टेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है आउटर पार्ट यहां तक बात समझ में आई सो किडनी का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है किडनी का अंदर वाला पार्ट जो है वो मेड्यूला है अब किडनी के अंदर एक सरफेस आप देखो ये जो सरफेस है ये लैटरल सरफेस है दिस सरफेस दिस सरफेस इज लैटरल लैटरल सरफेस जो होती है कॉन्वेक्स है ये आपकी ये आपकी मीडियल सरफेस है मीडियल सरफेस कैसी है मीडियल सरफेस कैसी है कॉनकेव इस कॉन्केव सरफेस पर या इस मीडियल सरफेस पर ओपनिंग प्रेजेंट है यहां पर ओपनिंग प्रेजेंट है एंड दिस ओपनिंग दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एस हाइलम इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है इस ओपनिंग को हाइलम कहा जाता है और इस हाइलम से ही इस हाइलम से ही यूरेटर एग्जिट होता है रीनल आर्टरी एंटर करती है रीनल वेन एग्जिट करती है मतलब ये वो ओपनिंग है जिससे चीजें अंदर और बाहर मूव हो रही है किडनी के क्या ये बात समझ में आ गई क्लियर है ये बात यहां तक कोई डाउट ठीक है गुड आप इस डायग्राम को ध्यान से स्टडी करेंगे फिर मैं हाथ से भी इस डायग्राम को बनाऊंगी ध्यान से समझो पहले समझ लो उसके बाद नोट्स में सारे लिखवा दूंगी पर पहले इस पार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है एक बार एन एस में पार्थवे पूछ लिया था यूरिन फॉर्मेशन का या यूरिन के पैसेज का तो सारी चीजें छोड़कर पहले इसको समझो बेटा सार्कोमियर इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल दैट इज सॉरी चलो अब यहां देखो ध्यान से दिस इज द कॉटेक्स रीनल कैप्सूल देन यू हैव इनर मेड्यूला रीनल मेड्यूला जो है ठीक है दैट मीन्स किडनी का जो अंदर वाला पार्ट है उस अंदर वाले पार्ट पर क्या प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लाइक दिस आर कॉल्ड रीनल इन को तो क्या बोला जाता है दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड क्या ये बात समझ में आई मैं साथ साथ में नोट्स बनाती चली जाती हूं

पिरामिड्स ये रीनल पिरामिड कहां प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है मेडुला में और यहां पर हमारा प्रेजेंट है कॉर्टेक्स अब कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट इस रीनल पिरामिड के बीच में एंटर कर जाता है तो यहां पर जो कॉर्टेक्स है उस कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट ऐसे इस रीनल पिरामिड के बीच में एंटर कर जाता है एंड दिस दिस कॉटेक्ट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मेड्यूलरी पिरािड इट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज इसको कहते हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी यहां देखो ये क्या हो रहा है यहां देखो दिस पार्ट दिस पार्ट आई एम टॉकिंग दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिन दिस दिस इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिन और इट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम रीनल कॉलम है क्या कॉटेक्स का कुछ पार्ट जो

पिछली बार का पेपर मॉडरेट ही था पिछली बार का पेपर हार्ड नहीं था ठीक है क्लियर हो गया यहां तक क्लियर है बात कॉलम ऑफ बर्टिनी तक अब ये जो कॉलम ऑफ बर्टिनी है या फिर ये जो रीनल पिरामिड्स है दीज रीनल पिरामिड्स के जस्ट बाद एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एक कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मैं दूसरे कलर से बनाती हूं ये दिस इज कॉल्ड एस दिस इज कॉल्ड एस पैपिला दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस पैपिला ये इस डायग्राम में मार्ग नहीं है आप यहां देखो हाँ आई जैसो एस्पिरेंट में ज्यादा डाउट्स देख भी नहीं रही हूं दिस पार्ट दिस इज कॉल्ड एस renal papilla this is called as renal papilla this is renal pyramids this is called as column of bertin so this is the internal structure of the kidney now this now this renal papilla they open into like this ओपन इंटू अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज केलिक्स इट ओपन इंटू अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज केलिक्स यहां डायग्राम में देखो यहां देखो दिस एरिया इज कॉल्ड एज स्केलेक्स ये यहां से ये जो छोटे छोटे प्रोट्रूजन निकल रहे हैं दीज प्रोट्रूज आर कॉल्ड एज स्केलिक्स केलिक्स दो पार्ट का होता है वन इज माइनर केलिक्स छोटा एंड दी अदर इज

शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस अगर आप ध्यान से देखो तो यही रीनल पेल्विस यूरेटर के अंदर ओपन कर रही है थ्रू हाइलम क्या ये बात समझ में आई इज दिस पॉइंट क्लियर ध्यान से इधर देखो मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूं एक से समझाती हूं एक या दो से दिस इज योर दिस इज योर मेड्यूलरी पिरािड दिस इज योर कॉलम ऑफ वर्टिमि या रीनल कॉलम ठीक है यहां तक समझ में आया इसके नीचे यहां पर इसके नीचे यहां पर क्या प्रेजेंट है यहां पर पैपिला प्रेजेंट है दिस पैपिला ओपन इंटू दिस पैपिला ओपन इंटू पैपिला ओपन इन टू दिस स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर जो मैंने डॉट से बनाया है दिस इज कॉल्ड एज केलिक्स ठीक है ओपन हुएगा इन टू अल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एजिस एंड दिस पेलविस फाइनली ओपन इन टू यूरेटर तो यहां पर यह जो पैपिला है जो रेड कलर से अपन ने बनाया है पैपिला

आपको रीनल कॉलम समझ में आ गए ये मेड्यूलरी पिरामिड इसके बीच में ये रीनल रीनल कॉलम यहां वाला ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज योर पैपिला दिस इज कॉल्ड एज पैपिला ओपन इन टू दिस स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस स्ट्रक्चर जो मैं डॉट से बना रही हूं दिस इज कॉल्ड एज केलेक्स केलेक्स दो टाइप का है माइनर और मेजर अगर माइनर मेजर याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको सिर्फ केलेक्स याद रहता है

केलिक्स मैट्रिक्स नहीं है देखो यहां देखो दोबारा ये किडनी है ये किडनी का कॉर्टेक्स है ये किडनी का मेड्यूला है यहां से यहां से यूरेटर एग्जिट कर रही है ठीक यूरेटर जिस पार्ट से एग्जिट करती है यहां पर दिस दिस फनल शेप स्ट्रक्चर दिस फनल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस इसको अपन ने क्या नाम दिया रीनल पेल्विस नाम दिया ठीक अब यहां दोबारा देखो ध्यान से यहां पर क्या प्रेजेंट है यहां पर इस तरीके से दीज आर योर दीज आर योर रीनल पिरामिड्स, ठीक इस रीनल पिरामिड के बीच बीच में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है यहां पर कॉलम ऑफ वर्टनी प्रेजेंट है या विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल कॉलम यहां तक समझ में आ गया ठीक अब देखो यहां पर हर पिरामिड के नीचे इधर हर पिरामिड के नीचे यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज पैपिला इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया अपन ने पिला दिस पैपिला ओपन इंटू दिस पैपिला ओपन इंटू दीज क्यूब्स यहां पर दीज स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड एस केलिक्स इसको क्या बोला अपन ने केलिक्स जब ये साइज में थोड़ा छोटा है तो इसको बोला माइनर केलिक्स जैसे ही ये साइज में थोड़ा एनलार्ज हो गया इसको बोला अपन ने मेजर केलिक्स दिस केलिक्स ओपन इन टू फनल शेप स्ट्रक्चर इस फनल स्ट्रक्चर एंड दिस फनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस रीनल पेल्विस किस में ओपन करती है यूरेटर में ओपन करती है किस ओपनिंग की मदद से हाइलम की मदद से क्या अब ये बात समझ में आई क्या अब यह बात समझ में आई ठीक है अब यह डायग्राम समझ में आ गया इस डायग्राम को छोड़ दो ये मैंने किडनी नहीं बनाई थी इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था नेक्स्ट डायग्राम जो मैंने बनाया है वो समझ में आ गया है क्लियर है ये अब ये क्लियर है पूरा पार्ट ठीक है तो अब अगर अपने को पाथवे लिखना होगा तो अपन कैसे लिखेंगे पाथवे कैसे लिखेंगे रीनल पिरामिड रीनल पिरामिड से पैपिला से केलेक्स केलेक्स से पेल्विस पेल्विस से यूरेटर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा यहां तक बात समझ में आई यहां तक समझ में आ गया ये डायग्राम क्लियर है यहां पर ये यह डायग्राम क्लियर है इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये इंपॉर्टेंट है रीनल कॉलम को क्या बोलते हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी भी बोलते हैं ये चीज याद रखना ठीक है यूरिन का पाथवे पार्थव्य बनवाऊंगी दिव्यान चले आगे नाउ ठीक है चलो ऑल क्लियर वेरी गुड नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन इस नेफ्रॉन को लिंक करेंगे जो पार्ट अभी अपन ने पहले पढ़ा सो नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन इसको क्या कहा जाता है इसको नेफ्रॉन कहा जाता है नाउ इसको धीरे धीरे करके समझो अंडरस्टैंड करो यह आपकी किडनी है यह डायग्राम बना रखा है एक सेकेंड डायग्राम पे चल देखो यह किडनी है दिस किडनी रिसीव्स ब्लड फ्रॉम डिसेंडिंग एयोटा ये कौन है ये एक आर्टरी है दिस डिसेंडिंग एयोटा फॉर्म्स एंड आर्टरी विच इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी दिस रीनल आर्टरी ट्रांसपोर्ट दिस रीनल आर्टरी ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी बहुत इंपॉर्टेंट बात आज अभी समझा रही हूँ रीनल आर्ट्री विच इज अच ऑफ एओटा ठीक है एओटा वो ब्लड वैसे हार्ट से निकल रही है उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ दिसेंडिंग एओटा उस एओटा से एक ब्रांच निकलती है विच इज कॉल्ड एज रीनल आर्ट्री दिस रीनल आर्ट्री सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी यहां तक बात समझ में आई दिस रीनल वेन दिस रीनल वेन ट्रांसपोर्ट दिस रीनल वेन ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द किडनी एंड ट्रांसफर इट टू द इंफीरियर वेनाका ये बात क्लियर है रीनल वेन रीनल वेन ट्रांसपोर्ट इट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द इंफीरियर बेना कावा यहां तक कोई डाउट बेटा पाथवे में लिंक करूंगी कंफ्यूज मत हो मैं पाथवे को पूरा लिंक करूंगी यहां तक समझ में आ गई बात द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन सो अब नेफ्रॉन को पढ़ने से पहले ये रीनल आर्टरी जो है ये किडनी के अंदर डिवाइड कर रही है किडनी के अंदर आ रही है जैसे ही ये रीनल आर्टरी किडनी के अंदर आती है इट डिवाइड इनटू इनसाइड द किडनी रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू दो ब्रांच निकली रीनल कहा एंटर करी एक राइट right किडनी में एक लेफ्ट किडनी में जैसे ही रीनल आर्ट्री राइट किडनी के अंदर गई या लेफ्ट किडनी के अंदर गई इंटू न्यूमरस ब्रांचेस एंड दोस्त समझ में रीनल आर्ट्री जो है वो किडनी के अंदर एंटर करते ही बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो गई एंड दो ब्रांचेज आर कॉल्ड एज एफरेंट आर्टीरियोल अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार लगा के लिखेंगे रीनल आर्ट्री इज अ ब्लड वेसिल इट इज अ ब्लड वेसिल विच कैरीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट कैरीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया ये वो ब्लड वेसिल है जिसके पास सबसे ज़्यादा यूरिया का अमाउंट है और ये ब्लड वेसल इस यूरिया को किडनी के ले किडनी के पास लेकर आई है किडनी के नेफ्रॉन के पास लेकर आई है ताकि ब्लड से इस यूरिया को हम क्या कर सके सेपरेट कर सके ब्लड का फिल्ट्रेशन कर सके ब्लड से टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव करे यूजफुल चीज़ों को पास रखे और इन टॉक्सिक चीज़ों को यूरिन के साथ बॉडी से एलिमिनेट कर दे क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर माइंड के अंदर सेट हुई है ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई है दिव्यान आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली अमोनिया का कन्वर्जन अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में होता है लिवर के अंदर बाय अ साइक्लिक प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ऑर्निथीन साइकिल इस साइक्लिक प्रोसेस को हम ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में लिवर के अंदर साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्निथीन साइकिल और ये यूरिया रीनल आर्टरी की मदद से किसके पास आ गया किडनी के पास किडनी के नेफ्रॉन के पास सो रीनल आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जिसके पास सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया होगा कौन पूछेगा कौन आंसर करेगा क्वेश्चन मान भी आंसर करेगी मानवी आंसर करेगी the blood vessel which has very less amount of urea will be it will be manvi manvi navya ठीक है आर्टरी और वेन की बात चल रही है आई जैसे यहां पर ठीक है वेन के पास बहुत कम अमाउंट ऑफ यूरिया होगा पर रीनल आर्टरी के पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया होगा ठीक है ठीक क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई अब बात करते हैं नेफ्रॉन की यहां से अब आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट होगी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन अब देखेंगे अपन structure of nephron ko nephron consists of Bowman's capsule along with glomerulus together they are called as together they are called as malpighian corpuscle then we have देन वी हैव प्रोक्सीमल कॉन्व्यूलेटेड ट्रिब्यूल जिसको प्यार से पीसीटी कहा जाता है देन वी हैव लूप ऑफ हेंडले या हेंडलेज लूप देन वी हैवी हैव डिजिटल कॉन्व्यूलेटेड ट्रिब्यूल जिसको प्यार से डीसीटी कहा जाता है दीज आर दी पार्ट ऑफ अफ्रॉन अब ये जो डीसीटी है विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दिस डी सी टी ओपन इंटू दिस ओपन इंटू दिस ओपन इंटू कलेक्टिंग डक कलेक्टिंग डक जो है ये कभी भी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है नेफ्रॉन टिल डीसी ही प्रेजेंट होता है क्या ये बात समझ में आ गई क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या ये बात समझ में आ गई इज दिन एप्सुलूटली क्लियर अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यस यस वेरी गुड तीन साइकिल ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कलेक्टिंग मर्ज कर कर ये कलेक्टिंग डक्ट काफी सारी मर्ज कर कर एक डक्ट बनाती है विच इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बेलिनी इसको क्या कहा जाता है डक्ट ऑफ इट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बेलिनी ये डक्ट ऑफ बेलिनी कहां ओपन होता है पैपिला में पैपिला कहां ओपन होगा केलेक्स में केलेक्स कहां ओपन होगा पेल्विस में पेल्विस कहां ओपन होगा यूरेटर में तो ये पाथवे होगा आपके यूरिन फॉर्मेशन का अगर इसको लिखें। सो पाथवे ऑफ यूरिन ये ही एनएससी जीएस का क्वेश्चन था ऑफ यूरिन को आप अगर देखो तो नेफ्रॉन नेफ्रॉन के बाद आती है कलेक्टिंग कलेक्टिंग फॉर्म्स अ बिगर डक विच इज कॉल्ड एज डक ऑफ बेलिनी डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन इंटू पैपिला पैपिला जो है इट ओपन इंटू केलेक्स केलेक्स ओपन इंटू पेल्विस ओपन इंटू यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथरा अब इस पैपिला को समझने के लिए वापिस से एक पार्ट देखो यहां पर क्या प्रेजेंट हुएंगे आपके मेड्यूलरी पिरािड ठीक है ये मेड्यूलरी पिरािड किसके ऊपर रेस्ट करते हैं ये पैपिला के ऊपर रेस्ट करते हैं सो दिस इज द पाथवे ऑफ योर यूरि फॉर्मेशन कलेक्टिंग डक बेटा जितनी भी डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट है ना डीसी टी जो है डिजिटल कलेक्टिंग ट्रिब्यूल ये सब किसमें ओपन होती है दे ओपन इन टू अगर डक विच इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक लास्ट वाला पैसेज जो था ये मैंने आपको ये वाला पैसेज मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी समझाने के लिए बताया था अब जो पाथवे अपन में पड़ा है ये जो पाथवे मैंने पढ़ाया ये पाथवे ऑफ यूरिन है और ये एन एस का सवाल है इनका एसेज कोई फंक्शन नहीं है बेटा रीनल कॉलम का वो सिर्फ इसके अंदर एम्बेडेड है ठीक है इसका एसेज कोई फंक्शन नोटेड नहीं है डक्ट ऑफ वेलिनी जो कलेक्टिंग डक्ट है दे कंबाइन टूगेदर एंड ओपन इन टू अगर डक्ट विच इज वेलिनी ऊपर नहीं है बेटा ऊपर नहीं है ये पिरामिड ये पैपिला ये है पैपिला ये है पिरामिड तो सिर्फ पार्ट को मैं लिंक करके समझा रही हूं ठीक है सबको क्लियर है दिख नहीं रहा यहां बना दू। ये रहा ये रहा पैपिला और ये ठीक है क्लियर है नो डाउट चीजें लिंक हो गई समझ में आ गई क्लियर है ये चैप्टर छोटा है एक्सक्रीशन चैप्टर अगर डाइजेशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन से कंपेयर करूं ना तो छोटा चैप्टर है बहुत बट इसमें चीजें बहुत इंटरलिंक्ड है और बहुत सारी चीजें बहुत घुमा घुमा के दे रखी हैं, ठीक है चलिए सो so अब एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिस कप शेप स्ट्रक्चर दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वोमेन्स कैप्सूल हाईली कॉन्टेड ट्रिब्यूल विच इज कॉल्ड एज प्रोक्सिमल कॉन्वेटेड ट्रिब्यूल कॉन्व्यूलेटेड वर्ड का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट सो ऐसी नहीं है एंड इज क्लोज टू दोमेन्स कैप्सूल दैट मीन्स वोमेन्स कैप्सूल किस पार्ट ऑफ ट्रिब्यूल में ओपन हो रहा है सो इट इज ओपनिंग इन टू प्रोक्सिमल कॉन्वेटेड ट्रिब्यूल टे ट्रिब्यूल ओपन इन टू शेप ट्यूबर पिन ट्यूब एंड दिस इज कॉल्ड एज लूलेप ट्यूब है दिस इज कॉल्ड एज लूपले दिस लूप ऑफ हेंडले ओपन इन टू डिस्टिल कॉन्वलेटेड ट्रिब्यूल विच इज कॉल्ड एज डी टी ठीक दिस डी सी टी या मानवीय यहां देखो

हाँ चैप्टर छोटा है स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता के क्लास छोड़ूंगी दिस इज स्ट्रक्चर विच इज गिवेन इन योर एनसीआर ये वो स्ट्रक्चर है जो एनसीआरटी में दे रखा है ठीक है इसी को अपन डिटेल में देखेंगे अब पार्ट समझ लेते हैं एक बार ठीक है इधर देखो ध्यान से देखना बहुत ध्यान से दिस इज द बोमेन स्कैपूल दिस बोमेन स्कैप्यूल मैंने समझाया आपको एक कंसिस्ट ये जो ईफरेंट आर्टीरियोल है ये एफरेन्ट आर्टीरियोल यह बनेगी रीनल आर्ट्री के डिविजन से हाया ना यह बनेगी रीनल आर्टरी के डिविजन से सो उस आर्टीरियोल को आपने क्या बोला आपने उसे बोला एफरेन्ट आर्टीरियोल साइड का नहीं दिख रहा है क्या आज क्वेश्चन आएंगे बेटा पीसीटी और डीसीटी के डिफरेंस है बेटा पीसीटी और डीसीटी की लोकेशन अलग-अलग है इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल अलग है मैं सारी चीजें आज ही बताऊंगी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आज ही खत्म करूंगी मुझे मालूम है आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं है तो आई विल टेक 15 20 मिनट्स एक्स्ट्रा पर इस टॉपिक को अपन खत्म करेंगे साइड का पार्ट दिख रहा है क्या नहीं तो मैं सेंटर में शिफ्ट करूं ठीक है रीच करती है इट डिवाइड इन टू आर्टीरियोल किसमें डिवाइड करती है इट डिवाइड इंटू अट टॉफ कैपिलरी यहां पर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एक कैपिलरीज का गुच्छा बन जाता है लाइक दिस एंड दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस क्या ये बात समझ में आई वॉट इज ग्लोमेरुलस एफरेंट फ्रेंट आर्टीरियोल डिवाइड इन टू अ फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एक कैपिलरीज का गुच्छा बनता है जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है एंड दैट बंच ऑफ कैपिलरीज दैट टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस इज नोन एज मैल्पीजियन कॉर्पोसिल क्या ये बात एब्सिल्यूटली क्लियर है एफरेंट आर्टीरियोल बेटा रीनल आर्टरी जो है यहां पर ये यह जो रीनल आर्टरी है दिस रीनल आर्टरी वेन इट एंटर्स इन साइड द किडनी इट डिवाइड इन टू ब्रांचेस ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है एंड दोज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज एफरेंट आर्टीरियोल क्लियर है ये क्लियर है ऐप क्लियर चलो अब अपन बात करते हैं इस बोमेन्स कैप्सूल की ये बोमेन्स कैप्सूल एक बहुत ही स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है ये इसकी आउटर वॉल है ये इसकी आउटर वॉल है और ये जो है इसकी ये इसकी इनर वॉल है आज सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही हूं फंक्शन सारे यूरिन फॉर्मेशन के टाइम डिस्कस करेंगे सो दिस आउटर वॉल इट इज लाइन बाय इट इज लाइन बाय सिंपल स्क्मस एपिथेलियम ये जो आउटर पार्ट है इट इज लाइन बाय सिंपल स्क्स एपिथेलियम ठीक पर ये जो इसका इनर पार्ट है ये जो इसका इनर पार्ट है इट इज लाइन बाय दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एन एस सी जे एस क्वेश्चन है एनटीएससी में रिपीटेड टाइम पूछा गया क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर खत्म करूंगी बस उतनी लंबी क्लास लूंगी उससे लंबी नहीं लूंगी परेशान मत हो अब ये जो इनर वॉल है इस इनर वॉल पर स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट हैं स्पेशलाइज सेल्स आर प्रेजेंट दी सेल्स आर कॉल्ड एज फोडोसाइड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल ट्रिपल स्टार लगा लो इसके ऊपर इनर वॉल पर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है दीस सेल्स आर कॉल्ड एज फोटोसाइट्स अब व्हाट इज यूनिक अबाउट पोडोसाइट है ये स्क्वैमस एपिथेलियम ही पोडोसाइट जो है है ये स्क्वैमस एपिथेलियम ही बट ये सेल्स थोड़े से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कैसे स्पेशलाइज्ड होते हैं देखो पोडोसाइट्स कैसे होते हैं दे आर दी सेल्स व्हिच हैव ंगरलाइट प्रोजेक्शन -like इनके पास ऐसे फिंगरलाइट प्रोजेक्शन है क्या बोला जाता है पोडोसाइट बोला जाता है इन पोडोसाइट्स के बीच में छोटे छोटे पोर्ड्स प्रेजेंट है एंड दीज स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड एज स्लिट्स इनको क्या कहा जाता है सिट्स या नॉर्मली आप पोर्स भी बोल सकते हो तो पोडोसाइट बेसिकली क्या है पोडोसाइट खुद ही है बट यहां पर ये सेल्स एक स्पेशल शेप अक्वायर कर लेते हैं जिसकी वजह से इनको क्या बोला गया पोडोसाइट बोला गया इन पोडोसाइट्स के बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज स्लिट पोर्स एंड दीज पोडोसाइट्स हैव these extensions, hair-like extensions, और इस हेयर लाइक एक्सटेंशन से ये ग्लोमेरुलस के ऊपर अच्छे से क्या हो जाता है रैप अराउंड हो जाता है इस एक्सटेंशन की मदद से ये इसके ऊपर जो एक ये वेवी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस वेवी स्ट्रक्चर से ये ग्लोमेरुलस के ऊपर अच्छे से क्या हो जाता है रैप अराउंड हो जाता है अच्छे से अटैच हो जाता है ताकि बहुत आराम से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो सके क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या ये पॉइंट क्लियर है क्लियर पोडोसाइट्स क्लियर है चलू आगे पोटोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ दिस बोमेंस कैप्सूल ओपन इनटू इट ओपन इनटू अ हाईली कॉन्गुलेटेड टिब्यूल which is called as pct or it is called as proximal convoluted tibule this proximal convoluted tibule it is lined by it is lined by an epithelium it is lined by an epithelium which is called as ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथिलियम इट इज लाइन बायिथीलियम विच इज कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथिलियम और ये पीसीटी की सबसे खास बात है इसका एपिथीलियम ब्रश बॉर्डर होने की वजह से इसका सरफेस एरिया इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना एफिशिएंट पीसीटी काम कर पाएगा यहां तक बात समझ में आई पीसीटी की एक और खास बात है कि पीसीटी के जो सेल्स होते हैं पीसीटी के जो सेल्स हैं दे हैव दे हैव हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा हुआ तो क्या होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा तो क्या होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा हुआ तो क्या होगा जल्दी बोलो यस वेरी गुड मानवी अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा हुआ तो एटीपी ज्यादा बनेगी अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा हुआ तो एटीपी ज्यादा बनेगी तो एटीपी अगर ज्यादा बनेगी तो यहां पर एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन होगा या पैसिव ऑब्जॉर्प्शन होगा सोच के बताओ वेरी गुड रोहित वेरी गुड अंश अगर एटीपी ज्यादा बनेगी तो पीसीटी में एक्टिव अब्जॉर्प्शन होगा या पैसिव अब्जॉर्प्शन होगा एक्टिव सो पीसीटी सो पीसीटी इज द मेन साइट ऑफ एक्टिव अब्जॉर्प्शन। इट इज द मेन साइट ऑफ एक्टिव अब्जॉर्प्शन। क्या यह बात समझ में आई क्या यह पॉइंट यहां पर एब्सिल्यूटली क्लियर है कोई भी डाउट है इस पार्ट पे ठीक नाउ दिस पीसीटी ओपन इंटू दिस पीसीटी सी टी ओपन लूप ऑफ हेनले ये बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है ये एक ब्लेसिंग है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो वॉटर डेफिशियंट कंडीशन में रहते हैं अब क्यों होगा बेटा यूरिन फॉर्मेशन में बताऊंगी लूप ऑफ एंडले लूप ऑफ हेनले कुछ इस तरीके से होती है दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट दिस इज द दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ एंडले दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ एंडले बात समझ में आई अब यहां ध्यान से देखो इस डिसेंडिंग में ये थिक पार्ट है सो दिस इज थिक अपर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग दिस इज थिक अपर पार्ट ऑफ असेंडिंग और ये दोनों बिचारे ये दोनों विचारे कैसे हैं ये ये कैसे है? है, तक तक समझ में आ गया? तक समझ में में आ आ गया? गया? So, thick जो एपिथीलियम ये किससे लाइन है ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम से लाइंड है असेंडिंग का भी थिक अपर पार्ट किससे लाइंड है एपिथीलियम से और ये थिन लोअर पार्ट ये किससे लाइंड है दिस इज लाइंड बाय एपिथीलियम दिस इज बाय स्क्वास एपिथीलियम क्या ये बात समझ में आ गई क्लियर है ये बात यहां तक ये बात क्लियर है या ना अंश मानवी अंश दिव्यांग नव्या वैभवी ठीक देन वी हैव डीसीटी इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इज लाइंड बाय एंड इज लाइंड बाय क्यूबॉइडन एपिथिलियम ये किससे लाइंड है इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथिलियम तो यहां पर नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट खत्म हो गए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेफ्रॉन की वो अब अपन डिस्कस करेंगे यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो और यही अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट है आज की ये सब नोट कर लिया है ना यहां देखेंगे इस डायग्राम में देखेंगे इसी डायग्राम में देखेंगे देखो यहां ध्यान से देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल आया एफरेंट आर्टेरियोल आया और उस एफरेंट आर्टेरियोल ने यहां पर क्या बनाया ग्लोमेरुलस बनाया मैं भी डायग्राम बनाऊंगी आप अभी यहां पर समझो ये एफरेंट आर्टीरियोल आया और एफरेंट आर्टीरियोल ने क्या करा ग्लोमेरुलस बना दिया ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा दिस ग्लोमेरुलस दिस ग्लोमेरुलस विल री यहाँ एफरेंट आर्टीरियोल है अब ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ये जो ग्लोमेरुलस है दिस ग्लोमेरुलस ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा वापिस से जुड़ेगा एंड इट विल फॉर्म इट विल फॉर्म अनादर आर्टीरियोल दिस आर्टीरियोल इज कॉल्ड एज ईफ्रेंट आर्टेरियोल आर्टीरियोल इस आर्टीरियोल को क्या बोलेंगे ईफ्रेंट आर्टीरियोल बोलेंगे जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस आर्टेरियोल्स के डिवीजन से बना था वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज वापस से जुड़ेंगी और एक आर्टीरियोल बनाएंगी विच इज कॉल्ड एज आर्टेरियोल। क्या यह बात समझ में आई मैथ्स का डाउट आठ हाँ ठीक है, है। मैथ्स का डाउट मैं क्लियर करा दूंगी ठीक है क्लियर है ये बात तो यहां पर यहां ध्यान से देखो इस डायग्राम में ये एनसीआर का डायग्राम है यहां से रीनल आर्टरी की ब्रांच ग्लोमेरुलस के पास आ रही है इसको क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एफरेंट ध्यान से समझो दिस एफरेंट आर्टीरियोल इज फॉर्मिंग ग्लोमेरुलस अब यहां ध्यान से देखो इस ग्लोमेरुलस से एक और रेड कलर से ब्रांच निकल रही है इसको भी इन्होंने रीनल आर्टरी की ब्रांच बोला

इंटायर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन टिब्यूल्स इसने क्या करा पूरे नेफ्रॉन के ऊपर एक जाला लाइक -like स्ट्रक्चर बना दिया एक नेटवर्क बना दिया पूरे नेफ्रॉन के ऊपर या पूरे नेफ्रॉन की ट्यूब के ऊपर एंड दिस नेटवर्क इज नोन एज दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज इसको क्या बोलेंगे This is called as capillaries. क्या यह बात समझ में आई ये पेरी टिब्यूलर कैपिलरी सारी वापस से जुड़कर क्या बनाएंगी रीनल वेन और यह रीनल वेन जो है यह किडनी से एग्जिट कर जाएगी क्या यह बात क्लियर है ओके वेरी गुड अगर आपने इलेवेन्थ ट्वेल्थ ग्रेड की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब खत्म कर दिए तो वेरी गुड ये बात समझ में आ गई सबको क्या यह बात एप्सल्यूटली क्लियर है दिमाग में चमक रही है कि यहां पर हुआ क्या है इधर देखो दिस इज योर दिस इज योर Bowman's कैप्सूल दिस इज योर एफरेन्ट आर्टीरियोल दिस एफरेंट आर्टीरियोल इज डिवाइडिंग इन टू यहां पर क्या बन गया ग्लोमेरुलस बन गया यहां पर पीसीटी यहां पर loop of एनले यहां पर डीसीटी ठीक है मैंने को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया समझाने के लिए अब ये ग्लोमेरुलस जो है ये वापस से जुड़ता है और क्या बनाता है ये बनाता है इफ्रेंट ये क्या बना रहा है ईफ्रेंट आर्टीरियोल दिस ईफ्रेंट आर्टीरियोल दिस ईफ्रेंट आर्टीरियोल फॉर्म्स अ नेटवर्क इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑन द इंटायर नेफ्रॉन यहां पर ये पूरे नेफ्रॉन के ऊपर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बना देती है एंड दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड एस दिस इज कॉल्ड एस पेरी ट्रिब्यूलर कैपिलरीज एंड दिस पेरी ट्रिब्यूलर कैपिलरीज ओपन इन टू अ वेन ट वेन इज कॉल्ड एज रीनल वेन और ये रीनल वेन जो है यह किडनी से एग्जिट कर जाती है क्या यह पॉइंट क्लियर है चमक गया ये डायग्राम देखकर समझ में आ गया तो पूरा जो नेफ्रॉन का टिब्यूलर पार्ट है उस पूरे टिब्यूलर पार्ट पर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है दो नेट या दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज फेरी टिब्यूलर कैपिलरीज लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट दिस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज विच इज प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो स्पेसिफिकली लूप ऑफ हेनले पर प्रेजेंट है दो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा उसको क्या कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा ये बात क्लियर है सबको चमक गया सबको चमक गया ये इसका पाथवे अगर अपन लिखें इसका पाथवे अगर अपन लिखें रीनल आर्टरी एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस फ्रेंट आर्टीरियोल ईफ्रेंट आर्टीरियोल बना रही है पेरीट्रिब्यूलर कैपिलरी और पेरीट्रिब्यूलर कैपिलरीज ओपन हो गई इन टू रीनल वे द पार्ट ऑफ द पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज दैट सराउंड लूप ऑफ एंडले इज कॉल्ड एज वास्टा क्या यह बात क्लियर है चमक गया सबको चमक गया सबको क्लैरिटी है सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आप नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन दैट वुड बी फॉलोड बाय टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन वहां ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लास्ट चीज याद रखना यहां पर द डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल इज मोर देन मोर देन ईफ्रेंट आर्टीरियो ये ही बेस बनेगा अपने यूरिन फॉर्मेशन का वासा रेक्टा बेटा पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो कि लूप ऑफ एनले के चारों तरफ एक नेटवर्क बना रही है दैट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा सो so, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज सराउंडिंग द लूप ऑफ एनले इज वासा रेक्टा नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट सैटरडे सैटरडे तक ये चैप्टर हंड्रेड परसेंट खत्म कर दूंगी छोटा चैप्टर है इफ्रेंट e वाला समझ नहीं आया इधर देखो बेटा यहां मार्किंग करते हैं एफ्रेंट ग्लोमेरुलस दिस इज ईफ्रेंट सो so, ग्लोमेरुलस जो है यही वापिस से जुड़कर ये ग्लोमेरुलस वापस से जुड़कर क्या बना रहा है एक और आर्टीरियोल बना रहा है विच इज कॉल्ड एज ईफ्रेंट आर्टीरियोल और ये एफरेंट आर्टीरियोल पूरे नेफ्रॉन के ऊपर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना रहा है विच इज कॉल्ड एज पेरीब्यूलर कैपिलरीज हा सैटरडे को मैराथन है रोल ऑफ ग्लोमेरुलस रोल ऑफ एफरेंट रोल ऑफ रोल ऑफ ऑफ लूप पीसी सारी चीजें यूरिन फॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास दैट वुड बी यूरिन फॉर्मेशन वहां पर आपको इन सारी चीजों का एप्लीकेशन समझ में आएगा कि ये सारी चीजें ऐसी क्यों हैं, ठीक है ठीक है अनामिका सो नेक्स्ट क्लास में यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे बड़े टॉपिक्स हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स मुझे फील होंगे सैटरडे तक मैं ये चैप्टर वाइंड अप कर दूंगी सैटरडे को सुबह ग्यारह बजे महामेराथन क्लास है चार घंटे की जिसमें सेकेंडरी ग्रुप और एनिमल टिश्यू कवर किया जाएगा डिसऑर्डर्स भी होंगे वो सैटरडे को करा दूंगी क्लियर है बच्चों सब समझ में आ गया ठीक है ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जब क्लैरिटी से समझ में आएंगी तो ही यूरिन फॉर्मेशन समझ पाओगे और हां एन एस जीएस में इसके ऊपर काफी बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है किडनी में स्टोन्स कहां होते हैं यूरेटर्स में भी हो जाते हैं बेटा ठीक है नेक्स्ट स्लाइड ये वाली ठीक है ये अगली पिछली कौन सी कृष मानवी प्लीज क्या बेटा ज्ञान नहीं होते कॉलुमनार यहां क्यूबॉइडल है कॉल्यूबनार अपने एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं बेटा सबसे लास्ट स्लाइड ये है सबसे लास्ट स्लाइड हाँ होगा और प्रीवियस ईयर में भी इसके होंगे इससे आते हैं क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ठीक है बंद कर दू आज की क्लास नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे यूरिन फॉर्मेशन के साथ और टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन ये दो तो चीजें डिटेल में और टाइम ने अगर परमिट किया तो एक रा सिस्टम होता है वो पढ़ेंगे चलो बाय बच्चों ऑल द बेस्ट टेक केयर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास लेट्स क्रैक इट अंश क्या डाउट है बेटा अंश डाउट चार्ट में लिख देना मैं आंसर कर दूंगी बाय